गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू चैनल। ठीक है, हम लोग एक सीक्वेंस बना रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल की। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था 7 तक की, आज हम लोग कवर करेंगे 8। ठीक है, 8 9। आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा। 10 कवर करेंगे, फिर कवर करेंगे हम लोग क्या, आज 11 कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चालू करते हैं। तो पहले देखेंगे 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। आपने 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ी होगी, तो आपको 8 की डिविजिबिलिटी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 में क्या था, लास्ट 2 डिजिट नंबर, आखिरी के 2 अंक क्या होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए या फिर डिविजिबल होने चाहिए 4 से। 8 में क्या होता है, लास्ट 3 नंबर शुड बी डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, आखिरी के 3 अंक, एग्जाम्पल 248, मान लीजिए हमने लिखा हुआ है 5248, तो 248 हमारा क्या होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये आखिरी का नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये पूरा पूरा नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और 242 करके देखेंगे तो डिविजिबल है 8 से। ठीक है, लेकिन इस केस में देखिए 100247 आखिरी का डिजिट क्या है, 247, ये डिविजिबल नहीं है। मतलब 247 क्या है, डिविजिबल नहीं है 8 से ना, तो मतलब हमको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने एक बार ये देख लिया 247 डिविजिबल नहीं है 8 से, तो मतलब ये पूरा पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब विभाजित नहीं होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं, 9। ठीक है, अब देखिए 9 क्या है, सिमिलरिटी है इसके साथ 3 की। 3 का अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, 3 में क्या था कि अगर किसी भी संख्या को हम लोग जोड़ेंगे, अगर उसका जोड़ने पे अगर वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी, तो मतलब पूरी पूरी संख्या क्या होती है, 3 से डिविजिबल होती है। 9 के केस में भी सेम है, द डिविजिबिलिटी ऑफ 9 इज सेम एज द डिविजिबिलिटी ऑफ 3, द सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया हमने, फॉर एग्जाम्पल 243 लिया है, अगर हम तीनों को ऐड करते हैं, 2 + 4 + 3 2 + 4 6 6 + 3 9। ठीक है, हम लोग ऐड करने में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है ना। ठीक है, तो ये क्या है, 243 भी क्या है हमारा, पूरा पूरा डिविजिबल है 9 से, क्या है, पूरा पूरा विभाजित है। ठीक है, अब लोग अगले नंबर पे आते हैं, अगले नंबर पे आते हैं 10। 10 सबसे आसान है, इसमें बस देखना है आपको इकाई अंक 0 होनी चाहिए, द लास्ट नंबर शुड बी 0। एग्जाम्पल 10 100, 1050 आखिरी में 0 आ रहा है, 120 आखिरी में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान है। अब आते हैं 11 पे, हम लोग आते हैं 11th वाले में। इसमें क्या है, 11th भी आसान है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें क्या करना है, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट नंबर माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट नंबर। ठीक है, उसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 आना चाहिए या तो मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लिया है 1331, तो इवन प्लेस कौन कौन सी इसमें है, इवन प्लेस ही देखिए 1 2 3 4। ठीक है, तो इवन प्लेस क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं, 3 + 1 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट कितना आना चाहिए, ये 1 है, ये क्या है, 3 है, इसका भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, 4 - 4 0। ठीक है, मतलब ये 0 आ रहा है ना, और हमारा रिजल्ट क्या था, 0 आना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। तो मतलब ये 0 आ रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमने नंबर लिया है 1331, ये किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर कुछ भी आपको डाउट होता तो कमेंट करिए। ठीक है, आप अपना फीडबैक दीजिए, क्योंकि फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्रूवमेंट। सो इसी के नोट के साथ हम लोग आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।